हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब से जियो आया तब से हमारी लाइफ पूरी डिजिटली हो चुकी है। हर एक चीज़ हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। कहीं से डाटा स्टोर करना, डाटा डाउनलोड करना, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा डाटा, जो हम इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि हमारा जो डाटा हमने इंटरनेट के थ्रू लिया है वो एक सही जगह पर जाए, सही जगह पर स्टोर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मोबाइल का और लैपटॉप का इंटरनल स्टोरेज इतना काफ़ी नहीं होता कि वहाँ पर अपना डाटा स्टोर कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ 5 बेस्ट हार्ड डिस्क ऑफ 1 TB स्टोरेज। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अगर आप हार्ड डिस्क खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का इसमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन का सपोर्ट है या नहीं, डाटा ट्रांसफर का स्पीड कितना है और इजी टू हैंडल है या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो में 5 हार्ड डिस्क चूज किए हैं, जिनको मैं रैंक करने वाली हूँ इन द सिक्वेंस ऑफ 5 to 1। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा। नंबर 5 पर जो हार्ड डिस्क है वो है टोशिबा कैनियो बेसिक्स। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा अगर इसके प्राइस के अकॉर्डिंग हम चले तो। इसके लुक्स एंड डिज़ाइंस की वजह से ये इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसका बिल्ड इन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और अगर बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो अगर आप इसको किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो काफ़ी ईजिली ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। इसमें आपको USB 3.0 का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्लस ये काफ़ी लाइट इन वेट और कॉम्पैक्ट बनाया गया है इसका डिज़ाइन, जिसको आप इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है वो ये है कि इसमें कभी भी हीटिंग इश्यूज़ नहीं आते, जो जनरली हर हार्ड डिस्क में आपको मिल जाता है। प्लस जो इसका मार्केट में रेंज आपको अवेलेबल होगा वो होगा 3,500 रुपीज़ में। नंबर 4 पर जो हार्ड डिस्क है वो है HP वायर्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, HP का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। HP एक अच्छा खासा ब्रांड है लैपटॉप के वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अब HP ने कुछ नया ट्राई किया है और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। इसका बिल्ड इन क्वालिटी, इसका शेप सब कुछ परफेक्ट है और इसका जो बॉडी है वो भी आपको मेटेलिक मिल जाएगा। इसका शेप, इसके डायमेंशन इतने अच्छे हैं कि कहीं पर भी आप इसको कैरी कर सकते हो और काफ़ी लाइट इन वेट भी है ये। इसमें आपको USB 3.0 का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जो आपकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसमें थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यूज़ आपको मिल सकता है, बट वो एक माइनर सा प्रॉब्लम है जो कि हर हार्ड डिस्क में आई थिंक होता ही है। प्लस ओवरऑल देखा जाए तो ये हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मार्केट में आपको अवेलेबल होगा 3,700 रुपीज़ में। नंबर 3 पर जो हार्ड डिस्क आता है वो है ट्रांजेंट स्टोरेज 25M3। इसके लुक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मैट फिनिश और रबर कोटिंग मिल जाएगा, जो इसके लुक्स को काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रीमियम बनाता है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी रगेड है। आप इसको रफ़ यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप इसको रफ़ यूज़ करते हो तो इसके आउटर बॉडी पर कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। और इसमें आपको USB 3.0 का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जो आपके डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को बनाता है क्विक। इसमें आपको कनेक्टिविटी केबल का लेंथ भी सफिशिएंट मिल जाएगा और इसमें एक शॉक रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ किया गया है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा शॉक से। और इसमें जो आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो है कि इसका विड्थ आपको थोड़ा सा थिक मिलेगा, बट ये काफ़ी लाइट इन वेट है तो आप इसको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। और मार्केट में जो इसका प्राइस अवेलेबल होगा वो होगा 4,855 रुपीज़ में। नंबर 2 पर जो हार्ड डिस्क है वो है सीगेट बैकअप प्लस। अगर इसके लुक्स की बात करें तो इसमें आपको मैट फिनिश लुक मिल जाएगा, प्लस इसका बिल्ड इन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इस लिस्ट का सबसे स्लिम हार्ड डिस्क है, जिसको आप शर्ट पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको USB 3.0 की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आपकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी क्विक हो जाती है। और इसकी एक खास बात है वो ये है कि आप इसको कंटिन्यूसली कितना भी यूज़ कर सकते हो, ये हीट नहीं होगा। इसका जो डाटा केबल है, इसका जो कनेक्टिविटी वायर है, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल और प्रीमियम क्वालिटी का बनाया हुआ है। और ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा 3,999 रुपीज़ में। नंबर 1 पर जो हार्ड डिस्क है वो है WD एलिमेंट 1 TB स्टोरेज का। ये सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क है। अगर बात करें इसके लुक्स की, तो इसमें आपको स्मूथ फिनिश मिल जाएगा, जो कि इसको काफ़ी प्रोफेशनल लुक देता है। WD ने काफ़ी फोकस किया है इस हार्ड डिस्क को कॉम्पैक्ट बनाने में, लाइट इन वेट बनाने में, ताकि आप इसको ईजिली कैरी कर सको। और इसमें आपको USB 3.0 का कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जिससे आपका डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट और क्विक हो जाएगा। इस हार्ड डिस्क को आप कंटिन्यूसली 2-3 आवर्स तक भी यूज़ करोगे, तब भी इसमें हीटअप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 3 घंटे के बाद मे बी शायद इसमें थोड़ा बहुत हीटअप होना शुरू हो जाए,
पर इसका एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको एप्पल प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हो तो आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा एप्पल के साथ यूज़ करने से पहले, पर नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप में आपको इसको फॉर्मेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। और मार्केट में इसका प्राइस अवेलेबल होगा 3799 रुपीज़ में। तो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।